हेलो गाइस, यार कैसे हो आप लोग? यार आपको बताने वाला हूँ आज मैं एक बहुत ही सीक्रेट बात। यार ये बात टॉप सीक्रेट है, यहाँ तो क्या ये बात सीबीआई वालों को भी नहीं पता है। यार ध्यान से सुन लो। यार बात ये है कि मैं एक खजाना छुपाने के लिए सीक्रेट बेस बनाना होगा। यार ये बात सच में बहुत ज़्यादा टॉप सीक्रेट है, यहाँ तो यार सीबीआई वालों को भी मैंने ये बात नहीं बताई है। यार इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यार मैंने वो कैसे बनाया और मैं कैसे बनाने वाला हूँ अपना सीक्रेट बेस। यार उसके लिए सबसे पहले मेरे को करनी थी जगह सेलेक्ट। तो यार मैंने किया ये जगह सेलेक्ट। यार ये देखो यार मशरूम, मैंने इसका नाम दिया है मशरूम माउंटेन, क्योंकि यार माउंटेन एकदम मशरूम जैसा है कि यार एक जगह से स्टार्ट होता है दूसरी जगह पर ख़त्म ही नहीं होता है। तो यार अब सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ 4x4 का डोर एरिया, और उसके बाद अब मुझे इसको अंदर से 5x5x5 का क्यूब बनाना है। तो मैं बना देता हूँ जल्दी से। तो यार दोस्त जो कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार मैंने बना लिया 5x5 का रूम। तो यार यहाँ पर सीक्रेट बेस बनना शुरू कर सकते हैं। मुर्गी तू यहाँ क्या देख रही है, कहाँ भाग रही है? मेरी इन्फॉर्मेशन दूसरी मुर्गियों की नहीं जा रही है। रुक रुक, तेरे को तो मार के रहूँगा मैं पहले। हाँ अब मेरी इन्फॉर्मेशन एकदम सलामत है। तो यार अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ बनाऊंगा मैं एक डोर। तो यार डोर के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर बना लेना है एक 2x2। हाँ जितना बड़ा काफ़ी होगा। तो यहाँ बनाना है 2x2 का एरिया, और उसके अंदर डाल देता हूँ यहाँ पर ये, और फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं सीधा यहाँ से नीचे यहाँ पर। हाँ और यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और यहाँ लगा दिया रेस्टोन टॉर्च। एकदम सही, इसको हटाया। हाँ सही काम कर रहा है यार, एकदम परफेक्टली काम कर रहा है यार, तो परफेक्ट। यार अब क्या करना है, अब मुझे बनाना है ऊपर वाला बेस। से ऊपर वाले के बनाने के लिए सबसे पहले मुझको लगाना पड़ेगा यहाँ पर ये, और फिर यहाँ पर लगाना पड़ेंगे तो नहीं जाओ, हाँ एक और लगाना है तो हो गया। और उसके बाद सारे के सारे ब्लॉक हटा देने, सिर्फ लास्ट वाले ब्लॉक को छोड़ कर। यार लास्ट वाले ब्लॉक में लगा देता हूँ ये। तो मैं ये कौन है, ये कौन है जो मेरे सीक्रेट बेस में बिना पूछे मेरे से घूम रहा है? और यार ये इसको मेरी सीक्रेट बेस की लोकेशन का पता कैसे चल गया? यार निकल यहाँ से, निकल निकल, देखो तू बड़ी वाली तलवार लेके मारता हूँ मैं। निकलता ही नहीं है, ढीठ बंदा है, बहुत ढीठ बंदा है ये। हट, देखा तलवार का कमाल, एक बार में मार डाला इसको मैंने। तो अब यहाँ पर लगा दिया है ये, तो अब क्या करना है, अब कर देना है इसको ऊपर से कनेक्ट कुछ यहाँ से, ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। हाँ ठीक है एकदम। और अब यहाँ लगा देने हैं दो ब्लॉक्स इसके, तो ये लगा दिए मैंने यहाँ पर दो स्टील पिस्टन, और फिर यहाँ लगाना है एक ब्लॉक, उसके बाद दो ब्लॉक्स ऊपर से इसको कनेक्ट करते हुए। हाँ अब ठीक है एकदम। तो अब यहाँ पर लगा देता हूँ रेस्टोन, और उसके बाद यहाँ लगा देना है रिपीटर, और इसको कर देना नेक्स्ट टिक पे, 4 टिक पे, नहीं 3 टिक भी काफ़ी होगा। हाँ 3 टिक काफ़ी है, 3 टिक्स पे। तो यार अब इसको थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा मुझे। हाँ ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको किया यहाँ पर कनेक्ट। तो अब ठीक है, इसको पावर देके ये पावर दिया, और दोनों के दोनों चल रहे हैं, और ये इसने यहाँ पर खींच लिया इसको, मतलब यार एकदम ठीक काम कर रहा है ये, परफेक्ट काम कर रहा है यार एकदम। तो अब क्या करना है, अब यहाँ से इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ से कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, और यहाँ लगा देना एक रेस्टोन। तो ये बन चुका है मेरा डोर। यस यार मेरा डोर बन गया आखिरकार। तो अब इसको आजमा के देखते हैं, यहाँ पर नहीं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लगाते ही ये बंद हो गया, और यहाँ दोबारा लगाते ही ये चालू हो गया। यस यार एकदम ठीक काम कर रहा है ये आखिरकार, एकदम ठीक काम कर रहा है मेरा डोर। तो अब क्या करना है, मुझे इसको ढक देना है। तो ढकने के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ कोई तो तार मैंने छेड़ दी है इसकी। हाँ अब ठीक काम कर रहा है।
और यहाँ पर लगानी पड़ेगी मुझे स्टेयर्स या फिर स्लैब्स। जहाँ जहाँ रेस्ट रूम की जो कनेक्शन जा रहे हैं वहाँ वहाँ मैं लगा देता हूँ स्टेयर्स को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा जा रहा है यहाँ से कनेक्शन, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ स्लैब एक स्टेयर, और यहाँ से जा रहा है एक कनेक्शन तो यहाँ लगा देता हूँ एक स्टेयर, और फिर इसके ऊपर लगा देता हूँ ये, और फिर यहाँ से इसके ऊपर लगा देता हूँ ये, तो यहाँ पर लगा हुआ है ये, तो सबसे बस यहाँ इसको यहाँ से लगा सकता हूँ मैं। ठीक है बस हो गया है आखिरकार, बंद नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना कि बंद नहीं होना चाहिए, 1% भी बंद नहीं होना चाहिए। बंद हो गया तो यार समझो तुम्हारा सिगरेट बेस फूट गया है, हो गया है तैयार। तो अब थोड़ा सोचा हूँ मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यहाँ पर कुछ ट्रैप डोर्स लगा दी जाए। तो अब एक तो यार ट्रैप डोर को कैसे लगाऊँ, हाँ यहाँ पर लगा देता हूँ ये, उसके आगे ये लगाया और फिर पीछे दोबारा रेस्ट रूम लगा देता हूँ मैं। हाँ कहाँ है रेडस्टोन किस्मत, हाँ ये रहा ये है रेडस्टोन, तो इस रेडस्टोन को लगा देता हूँ यहाँ पर, इसको कर देता हूँ बंद, और यहाँ पर भी सेम चीज़ रिपीट करता हूँ, और लगाया ये और इसको किया बंद, और यहाँ फिर से लगाया रेडस्टोन, और यहाँ पर भी सेम चीज़ की ये लगाया ये इसको खोला, और यहाँ लगा दिया रेडस्टोन और इसको कर दिया बंद। यार ये देखो ये हो चुका है पूरी तरीके से स्टील, और अब मैं यहाँ थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ क्या इसको, और एक को एक ब्लॉक तो बड़ा कर ही सकता हूँ इसको यार मैं कम से कम, और ये मैंने कर दिया है इसको एक ब्लॉक बड़ा यहाँ पर, और अब मैं यहाँ लगाने वाला हूँ बेड्स वगैरह। तो यार बेड्स वगैरह लगाने के लिए हमें कभी जगह नहीं है, जरा एक बार बाहर जाकर देखता हूँ कि मैं इसको कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो यार यहाँ पर कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ मैं इसको, हमने इसको 2 तक एक्सटेंड किया हुआ है, 2 या 3 ब्लॉक तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो मैं इसको 2 ब्लॉक और एक्सटेंड कर सकता हूँ अंदर। तो यार मुझे दूसरी फ्लोर की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ मैंने किया एक और ब्लॉक एक्सटेंड, और फिर यहाँ पर किया एक और ब्लॉक एक्सटेंड, ये हो गया है एक एक ब्लॉक एक्सटेंड, और उसके बाद एक यहाँ पर और फिर एक यहाँ पर, और ये क्या हो गया खुल गया ब्लॉक यहाँ से, हाँ ये हो गया तैयार। तो अब यहाँ पर कर देता हूँ पैडिंग वगैरह लगा के यहाँ पर इसको परफेक्ट सीक्रेट बेस बना देता है एकदम। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ लगाना पड़ेगा लगता, हाँ यहाँ ये और यहाँ पर ये हो गया एकदम बढ़िया सीक्रेट प्लेस तैयार। तो अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सारा सामान, तो ये मैं लगा दिया सारा फर्नीचर। तो यार बताओ कैसा लग रहा है, ये यहाँ पर लगा दिया बहुत सारी स्टोरेज, एक बेड, एक फर्नेस, एक क्राफ्टिंग टेबल, और कुछ यहाँ पर लगा दिया ट्रैप डोर्स, और कुछ बहुत सारी टॉर्चेस, कुछ बहुत सारी नहीं मतलब बहुत सारी टॉर्चेस यार, थोड़ा समझ लो ना आप लोग, थोड़ी कमेंट्री मेरे बेकार है पर यार फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ही हूँ मैं इस मामले में। तो यार अब मैं लगा देता हूँ बाहर की साइड एक और लीवर, यहाँ से मैं कर सकता हूँ इसको बंद या खुला। ओ यहाँ लगा देता हूँ सबसे पहले एक स्टोन, क्योंकि यार मैं क्रिएटिव मोड में हूँ तो यार थोड़ी एक बार टूट जाता है। आप लोग मैंने कहो कि बाद में क्या मैंने क्रिएटिव मोड में बना कुछ नहीं किया, तो आप पहले ही बता देता हूँ मैंने ये क्रिएटिव मोड में ही बनाया है, जो मैंने सर्वाइवल में बना रखा है वो भी कुछ इस तरह का ही है, पर वो मैंने सर्वाइवल में अलग से बना रखा है। तो अब यहाँ पर भी लगा देता हूँ ये, और देखो यार ये हो गया मेरा परफेक्ट बेस तैयार, और अब मुझे अंदर जाना है। ये खोला मैंने यहाँ से और फिर गया मैं अंदर, और अब मुझे इसको कर देना अंदर से सीट। तो मैंने दबाया ये और ये हो चुका है अंदर से सीट, और यहाँ पर मेरे पास है मेरी जगह जहाँ मैं सो सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, रह सकता हूँ कुछ दिनों के लिए। और फिर यहाँ से गया मैं फिर से बाहर, और बाहर जाके मैंने लगा दिया है ये ताला, और उसके बाद ये हटा सकता हूँ मैं, और उसको हटा कर मैं कहीं भी जा सकता हूँ।
और अगर चाहूँ तो दोबारा लगा कर यहाँ पर आराम से दोबारा अंदर भी जा सकता हूँ। तो यार आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ कि यार आप लोगों को ये कैसा लगा, ये सीक्रेट बेस अगर आप लोगों को कैसा लगा यार, अच्छा लगा हो तो यार कमेंट में बोलो यार क्या क्या कितना अच्छा लगा आप लोगों को ये। अगर और अगर अच्छा नहीं लगा यार तो भी कमेंट करके बताओ कि क्यों अच्छा नहीं लगा है, ताकि मैं उसको अगली बार इम्प्रूव कर सकूँ। तो यार आई होप यू लाइक इट, इंजॉय इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। यार मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।